हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं दीव हूँ, जो हमारे देश की एक यूनियन टेरिटरी है ना, दमन एंड दीव पर नागर एंड दादर हवेली, तो उनमें से एक सिटी है दीव। बेसिकली ये गुजरात स्टेट के अंडर जो एक आइलैंड है ना, दीव आइलैंड, उसके अंदर ही है ये सिटी। तो अभी मैं दीव को एक्सप्लोर करने ही निकला था और मैं पहले यहाँ आया था नायडा गुफा, लेकिन ये अभी बंद है और यहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये कब खुलेगी या ये परमानेंट ही बंद है। तो अभी इंतज़ार करता हूँ थोड़ा, क्या पता ये खुली जाए। ये देखो, ये रहा नायडा गुफा का गेट, लेकिन इसको बंद कर रखा है परमानेंट ही। तो अभी अभी एक स्कूटी वाला जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि ये कब खुलती है, तो उसने कहा कि ये बंद हो गई है, अब पता नहीं अंदर कोई पत्थर वगैरह गिर गया तो बंद कर रखा है। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेंट पॉल चर्च, यहाँ है खूबसूरत सा चर्च है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं अब। ये देखो गाइस, ये रहा सेंट पॉल चर्च। यहाँ आपको गली गली में ही चर्च मिल जाएंगे, इतने चर्च बना रखे हैं, छोटे छोटे चर्च। इस सेंट पॉल चर्च के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, नहीं मैं आपको अंदर से भी दिखाता इस चर्च को। चर्च तो अच्छा बना रखा है वैसे, ये देखो। गाइस, सेंट पॉल चर्च को अंदर से बना तो अच्छा रखा है, लेकिन अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं थी, ये गलत बात है। इतनी दूर आते बाद में पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। गाइस, अभी मैं व्यू पोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको तो पता ही होगा पहले यहाँ पोर्चुगीज का राज था, बाद में राज क्या था मतलब कब्जा कर रखा था, बाद में 1961 में गवर्नमेंट ने उन्हें भगा दिया। तो चलते हैं अब व्यू पोर्ट की तरफ। गाइज, इस फोर्ट को अंदर से एकदम सिंपल सा बना रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे हमारे फोर्ट होते हैं, उनमें तो रास्ता ही नहीं मिलता। यहाँ देखो, बिल्कुल सिंपल बना रखा, सामने वो लाइट हाउस है और ये देखो, और यहाँ पर एक चर्च भी बना रखा है। ये रहा, इसको तो अभी बंद कर रखा है। ये देखो, इस चर्च को अंदर से देखो, छोटा सा बना रखा, छोटा ही चर्च है, देखने में तो बड़ा लगता है। गाइज, आगे चलते हैं, मुझे आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ देखो, ये तोप रख रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो तोपे है जो बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे ना, उनके साइड में लगती थी। ये देखो, वैसी सी तोपे हैं, इनको यहाँ पर लाया कैसे होगा, मैं तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ देखो, इसमें तो गोले भी लगा रखे हैं।
ये तोपे 1918 की है, 1918 की, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी तोपे हैं। पोर्चुगीज लाए थे इनको अपने सिप पर रख कर। गाइस ये पोर्चुगीज तो कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। देखो इस फोर्ट को बना देखो, भारत बिल्कुल समंदर के किनारे बना रखा है। ये अपना हिंद महासागर है पूरा। ये इतने समझदार थे, इनको पता था कि बाहर से अटैक होगा तो इधर भाग जाएंगे और समंदर में अटैक होगा तो इधर भाग जाएंगे। गाइज इस फोर्ट पर तोप ही तोप रख रखी है सारी जगह, चाहे आप वहाँ देख लो, वहाँ पर भी ये सामने वो लाइट हाउस है, वहाँ पर भी तोपे रख रखी है, पर इस साइड भी एक लाइट हाउस। ये जगह ऐसी है, यहाँ हवा तो चलती रहती है, ठंडी ठंडी हवा। और इधर देखो पूरा समंदर है, आगे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब वहाँ चलते हैं सामने लाइट हाउस पे, वो रहा। गाइज मैंने फोर्ट को तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, अच्छा फोर्ट है, एक बार आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि ये फोर्ट इंडियन आर्किटेक्चर में नहीं बना बल्कि पोर्टिकल आर्किटेक्चर में बना है, तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ से सीधा जलंधर बीच जा रहा हूँ, जो यहाँ का एक खूबसूरत बीच है। आप यहाँ आओ ना दीव में तो बीच पर ज़रूर जाना, तो चलते हैं वहाँ। गाइज अभी मैं यहाँ पर आ गया, वॉक अवे हेरिटेज है, यहाँ से मैं आपको बीच दिखाता हूँ कितना खूबसूरत दिखता है। ये देखो वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है। तो मैं भी अब बीच पे चलता हूँ, वहाँ आएगा मज़ा। गाइज अभी मैं बीच पे आ गया, कितना मस्त बीच है, ये देखो यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं ना, इनसे और खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शिप भी रख रखी है छोटी सी। तो अब नीचे चलते हैं बीच पर। गाइज मैं इधर से उधर घूम कर आ गया, लेकिन ये बीच इतना क्लीन बना रखा है, मस्त लगता है। तो अभी तो यहाँ पर इतने लोग हैं नहीं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, लोग शाम तक आते हैं। मैं इंजॉय कर रहा हूँ बस यहाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। Thank you.
यहाँ पर क्या मिला है, ये छोटा सा शंख मिला है। शंख ही बोलते हैं ना इसको, तो हमारे तो शंख ही बोलते हैं, आपका पता नहीं। इसको मैं वापस पानी में फेंक देता हूँ, मेरे क्या काम आएगा। गाइज अब निकलता हूँ यहाँ से, 2 घंटे से बीच पर इंजॉयमेंट कर रहा था तो जाने का टाइम हो गया, लेकिन आपको इस बीच पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। इतना क्लीन और इतना अच्छा बीच कहाँ देखने को मिलेगा, सचमुच बहुत अच्छा बीच है। मज़ा आ गया आज तो।